बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। मैंने कुछ नान बनाए हैं इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी कुकिंग। आज हम अपने किचन में बनाएंगे देगी स्टाइल कोरमा। आधा किलो मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है, इसे मैंने वॉश कर लिया है। कुछ मसाले लिए हैं, साबुत मसाले जैसे जावित्री का फूल, आधा चम्मच जीरा, दो बड़ी इलायची, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं, आधा टुकड़ा मैंने जायफल का, दो तेज़पत्ते के पत्ते, दो तीन सिनेमन स्टिक, आधा चम्मच काली मिर्च मैंने ली है यहाँ पर, चार छः से सात होंगी ये, और मैंने तीन से चार चम्मच दही लिया है, दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, तीन चार चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल और खसखस का पेस्ट बना लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़े साइज़ की प्याज से मैंने काट लिया है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कुकर मैंने इस पर रख दिया है, कुकर सूखने का वेट करते हैं। कुकर हमारा सूख चुका है, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, प्याज डालेंगे सबसे पहले इसमें। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इसी तरह चलाते चलाते हमें इसे फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप हमारी प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करते जाएंगे। देगी स्टाइल में हम कोरमा बना रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देग वाले भी इसमें बहुत कम मसाले डालते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है कम मसालों में भी। तो आप इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए प्याज को हमारा कलर थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं चेंज होने लगा है। प्याज का कलर हमारी चेंज हो चुका है तो इसे निकाल लेंगे बाहर। प्याज को बाहर निकाल लेंगे हम। उसी तेल में मैंने जिसमें प्याज फ्राई की थी उसमें हमें गोश्त डाल देना है, तो इसी में मैं गोश्त डाल रही हूँ। तो गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है, एक मिनट चला लेंगे। साथ में इसमें मसाले डालेंगे जो मैंने साउथ मसाले दिखाए थे आपको, मसाले डाल दिए जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे जैसे जावित्री का फूल वगैरह जो, तो वो भी मैंने उनका हल्का सा कूट कर पाउडर बना लिया था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। कूट कर मसाले डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कोरमे में, तो आप मसाले कूट कर डालें। साथ ही इसमें दही डाल दिया है मैंने, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चला कर हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी मसालों को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आने लगा है। तो नमक मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, चला लेंगे नमक के साथ भी इसे। एक से दो मिनट हम इसे भूनेंगे सभी मसालों के साथ। इस तरह से आप कोरमा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से घर पर बन जाएगा ये कोरमा आपका। तो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने इसमें दो गिलास पानी ऐड किया है, तो इसमें सीटी ले लेंगे हम। तो सीटी मैंने इसमें ले ली थी, सीटी मैंने आपका इसका प्रेशर हटा दिया है, तो देख सकते हैं प्रेशर हटाने के बाद एकदम ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने प्याज निकाली थी बाहर उसका मैंने उसे पीस लिया है मैंने, और वो प्याज मैंने पीस करके इसमें डाल दी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कोरमे में। इसे प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, प्याज के साथ हमें कोरमे को हमारे जो हमारे नारियल और खसखस का मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल दिया है। अब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे, तो इसे भी अच्छे से हम दो मिनट भून लेंगे। इसके साथ भी थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, आप जितनी चाहें उतनी थिकनेस रख सकते हैं इसके।
क्वांटिटी के हिसाब से। मैं इसकी इतनी थिकनेस रखूँगी बस, देख सकते हैं आप, इतना ही मैं इसे रखूँगी बस। तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो डिश आउट कर लेते हैं इसे। तो मैंने सर्विंग बाउल में से निकाल लिया है, एक देख सकते हैं आप, बिल्कुल शादी वाला देगी स्टाइल हमारा कौरमा बनकर तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। मैंने कुछ नान बनाए हैं इसके साथ, तो आप गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।